हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिंटिलेटिंग साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा उसे रिकॉल करेंगे, देन इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड रूल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखना, है ना। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम सिंटिलेटिंग साइंस। अब डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है ना, हम उससे फेमिलियर हैं। अब इस चैप्टर में पहले हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट अलोंग विद द एलजेब्रिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ईटीसी। डियर स्टूडेंट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट टर्म हो एंड साथ में एलजेब्रिक ऑपरेशंस भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, 3x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल भी है, x क्या है आपका वेरिएबल है, 3 और 7 क्या है कांस्टेंट है, और प्लस आपका क्या हो गया एलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, कंप्लीट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गया समझ में? ऐसे ही 4x माइनस 10, तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल हो गया, 4 एंड 10 आपके कांस्टेंट हो गए, और माइनस जो है यहाँ पर आपका एलजेब्रिक ऑपरेशन हो गया। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता है ना, ये एक्सप्रेशन जो होती है वो इक्वलिटी को शो नहीं करती है। तो आगे समझ में आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो एन एलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड अस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशन आर सेट इक्वल टू ईच अदर। इन सिंपल वर्ड्स इक्वेशन मीन इक्वलिटी। डियर स्टूडेंट, एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसी टू एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी को शो करती हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है, दोनों क्या कर रही है इक्वलिटी को शो कर रही है ना। यहाँ पर इक्वल का साइन है, मतलब ये इक्वेशन है। तो अब डियर स्टूडेंट, जो इक्वलिटी है उसके लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है उसे हम LHS कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो इक्वलिटी के राइट साइड में जो पार्ट होता है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS कहते हैं, ठीक है। या सिंपल वर्ड में अगर इक्वेशन को बोले हम तो क्या होता है, इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी। तो आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं होता है ना, इक्वलिटी नहीं शो करता है, और इक्वेशन जो होती है वो इक्वलिटी को शो करती है। अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ लेते हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच हैज अ मैक्सिमम वन वेरिएबल ऑफ ऑर्डर 1। डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में 2x प्लस 3 इक्वल टू 8 एग्जाम्पल है, वन वेरिएबल यहाँ पर है, क्या है x, और x का ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या, उसकी पावर, पावर कितनी है यहाँ पर 1, है ना। अगर एक वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पर ए एंड बी क्या है, ये दो इंटीजर है और एक्स क्या है वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है ना, ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे देखिए हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x है ना इक्वल टू 8 माइनस 3 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस, और ये 2x इक्वल टू 8 में से हमने 3 माइनस किया तो 5। अब ये 2 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2, मतलब x का एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, 5/2। वेरिएबल क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ वेरिएबल एन अल्फाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर, वैल्यू और क्वांटिटी। वेरिएबल जो होता है एक अल्फाबेट होता है जो क्या करता है, अननोन
नंबर वैल्यू या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, वो नोन नहीं होता है ना, अननोन होता है। हम उसको सॉल्व करेंगे तब हमें उसकी वैल्यू पता होगी। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 8 में x अननोन आइडेंटिटी है, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमें, x की वैल्यू 5/2 है ना। ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के डियर स्टूडेंट टू मेथड्स है, एक इनवर्स मेथड है और एक ट्रांसपोज मेथड है। ट्रांसपोज मेथड इंपॉर्टेंट है तो मैं इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जब डियर स्टूडेंट अब सबसे पहले आप एक इक्वेशन को देखिए, ये हमारी इक्वेशन है जैसे कि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना रहती है, ठीक है। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को क्या करेंगे, हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम उसको डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं कर सकते हैं ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस 5 है तो एडिशन की कंडीशन में क्या होगा, एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन। मतलब जब हम एडिशन वाली टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में बन जाएगी। जैसे देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, जब हम प्लस 5 को ट्रांसपोज करेंगे टू द RHS साइड, इट बिकम सब्ट्रैक्ट। तो x इक्वल टू 10 माइनस 5, देखिए ये माइनस में बन गया है ना। दोनों इक्वेशन का मीनिंग एक ही है बट हमने उसको लिखा अलग तरीके से है। तो प्लस 5 बिकम माइनस 5। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन बिकम एडिशन। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हो x माइनस 3 इक्वल टू 10 है ना, x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 10 है। तो यहाँ से माइनस 3 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन जैसे 2x इक्वल टू 8 हो, तो यहाँ से 2x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2। ऐसे ही डिविजन बिकम मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारे पास हो x अपॉन 2 इक्वल टू 5 हो, है ना, तो 2 डिविजन में है, इक्वल के इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। आ गया समझ में आपको, ट्रांसपोज रूल सिंपल है ना। इफ वी ट्रांसपोज एडिशन टू द राइट हैंड साइड इट बिकम सब्ट्रैक्शन, है ना। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन बिकम एडिशन, मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन एंड डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन। ये ट्रांसपोज रूल हो गए, सिंपल है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। 2.1 में हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड हो और बाकी नंबर एक साइड हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट x माइनस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज मेथड से करेंगे, तो देखिए माइनस 2 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे, है ना, माइनस 2 हमें ट्रांसपोज करना है, इट बिकम प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 2 बिकम प्लस 2। तो x इक्वल टू 7 प्लस 2 9, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू 7 में x की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 9 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा, 7 इक्वल टू 7, है ना। दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, मतलब हमारा x की जो वैल्यू है वो क्या है, सही है। ऐसे ही y प्लस 3 इक्वल टू 10 को हम करेंगे, तो प्लस 3 को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो प्लस 3 क्या बन जाएगा, माइनस 3। तो देखिए y इक्वल टू 10 प्लस 3 बिकम माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा आंसर, 7, है ना। ऐसे ही इसको भी हम चेक करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, तो 7 प्लस 3 10 इक्वल टू 10, है ना, ये हमारा इक्वल आ गया, मतलब करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, 6 इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है, इसलिए वेरिएबल को हमें एक साइड रखना है, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसपोज करना है। तो प्लस 2 बिकम माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू जेड। 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 4 इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4,
ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करेंगे, 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। तो यहाँ से हम 3/7 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 17/7। जब प्लस को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम सब्ट्रैक्शन, तो 3/7। अब डियर स्टूडेंट हम फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को एलसीएम से सॉल्व करेंगे। जब आपको पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो फ्रैक्शन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, उसको हम न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर देंगे। तो 17 - 3/7, ठीक है। तो 17 में 3 माइनस किया तो 14/7, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 - 1 = 7, 7 - 2 = 14, मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, 6x = 12। अब देखिए यहाँ वेरिएबल के साथ जो टर्म है वो किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज करने पर क्या बन जाएगा, डिवीजन। तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, x = 12/6। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 - 1 = 6, 6 - 2 = 12, तो x = क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन, 3/5 = 10। यहाँ पर 5 डिवीजन में है, आफ्टर ट्रांसपोज इज इट बिकम मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो t = 10 × 5, या t = हो जाएगा आपका 50। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th, 2x / 3 = 18। यहाँ से 3 भी मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है, तो 2x = क्या हो जाएगा, 18 × 3। हम यहाँ पे 2 डिवीजन में है, डिवीजन को हमें ट्रांसपोज करना है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 = 2, 2 - 9 = 18, तो x = 9 × 3 = 27। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 8th क्वेश्चन है, 1.6 = y / 1.5। यहाँ 1.5 डिवीजन में है, आफ्टर ट्रांसपोज इट बिकम इन मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 1.5 = y। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.4 = y, y की वैल्यू क्या आ गई, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 7x - 9 = 16। तो यहां से माइनस 9 को ट्रांसपोज कर दो, तो 7x = 16, -9 = +9, 7x = 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। 7 को ट्रांसपोज कर दो, x = 25/7। अब ये फ्रैक्शन सिंपल नहीं होगी, तो यही हमारा x का क्या आ गया आंसर, है ना, 25/7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14y - 8 = 13। तो -8 को ट्रांसपोज कर दो, तो 14y = 13, -8 = +8। यहाँ से 14y = 13 + 8 कितना हो जाएगा, 21। अब 14 को ट्रांसपोज करेंगे तो y = 21/14। ये फ्रैक्शन को सिंपल किए करेंगे हम 7 से, 7 - 2 = 14, 7 - 3 = 21, तो y = क्या आ गया हमारा आंसर, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, 17 + 6p = 9। तो है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, p, तो पहले 17 को ट्रांसपोज कर दो, तो 6p = 9 - 17, तो 6p = अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8। 8 कैसा बचेगा डियर स्टूडेंट, माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस की टर्म क्या है, बिगर, है ना, जो भी टर्म बिगर होती है उसका साइन हम लेते हैं। अब यहाँ से 6 को ट्रांसपोज कर दो, तो p = -8/6, तो यहाँ से p = हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो 2 से, 2 - 3 = 6, 2 - 4 = 8, तो -4/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन 12 क्या है, x / 3 + 1 = 7/15। तो हम 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो x / 3 = 7/15 + 1 = -1, x / 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, 15 एलसीएम आ गया, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 15, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, तो x / 3 = यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे 15 में से 7, तो कितना बचा, -8/15। अब 3 को ट्रांसपोज कर दो, x = -8/15, 3 यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 3 - 1 = 3, 3 - 5 = 15, ये सिंपल हो गया।
तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ऊपर क्या बचा है माइनस एट और नीचे फाइव, तो माइनस एट बाई फाइव ये हमारा क्या हो गया आंसर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।